हेलो। तो क्या हाल है सबका? तो करा शुरू। तो आज का टॉपिक हर उस एमपी के किसान के लिए जो कि अभी फिलहाल हाल ही में गेहूं की कटाई, चना कटाई या फिर सरसों की कटाई या फिर किसी अन्य फसल की कटाई कर रहा है और अभी कुछ दिनों बाद यानी अप्रैल के माह में कांटे खुलेंगे यानी सोसाइटियाँ चालू हो जाएगी, पर अभी तक कुछ किसानों को ये पता नहीं है कि इस बार का समर्थन मूल्य या एमएसपी क्या रखा गया है सरकार के द्वारा। तो आज उसी के बारे में चर्चा की जाएगी। तो आज मैं लगभग 6 फसल के एमएसपी के बारे में बताऊंगा कि किसमें कितनी कितनी वृद्धि हुई है। तो पहले फसल का जो नाम आता है वो है गेहूँ। तो गेहूं का जो पिछली बार एमएसपी या फिर समर्थन मूल्य प्राइस था जो कि था 1975 रुपये, वह इस बार इसमें 40 रुपये का इजाफा करके इसका समर्थन मूल्य कर दिया गया है 2015 रुपये एक क्विंटल के इसका ये रेट है। और मैं जो भी फसल के बारे में बता रहा हूँ उसका सभी का एक क्विंटल का मैं मतलब रेट बताऊँगा। इसके बाद जो दूसरी फसल है उसका नाम आता है चना। चना की खेती भी एमपी में की जाती है और लगभग इसका पिछली बार जो समर्थन मूल्य रखा गया था वो था 5100 रुपये और इसमें लगभग 130 रुपये बढ़ाकर इस बार इसका समर्थन मूल्य कर दिया गया है 5230 रुपये। तो इस बार चने का समर्थन मूल्य रहेगा 5230 रुपये। इसके बाद जो तीसरी फसल आती है उसका नाम है मसूर। मसूर जो कि पिछली बार इसका भी समर्थन मूल्य चने के बराबर ही था और इसका था पिछली बार जो कि भाव था वो था 5100 रुपये और इस बार इसमें लगभग 400 रुपये बढ़ाकर इसका मतलब समर्थन मूल्य कर दिया गया है 5500 रुपये। मतलब इस बार मसूर में काफ़ी कुछ अच्छा इजाफा किया गया है सरकार के द्वारा। और इसके बाद जो चौथे नंबर पर जो फसल आती है उसका नाम है सरसों। सरसों में भी इस बार काफ़ी कुछ और काफ़ी अच्छा इजाफा किया गया है। पिछली बार ली गई थी सरकार के द्वारा 4650 रुपये में यानी 4650 रुपये में और इस बार इसमें भी 400 रुपये बढ़ाकर इसे इस बार कर दिया गया है 5050 रुपये। और इसके बाद जो पाँचवें नंबर पर जो फसल आती है उसका नाम है सूरजमुखी। सूरजमुखी भी लगभग काफ़ी अच्छे रेट में पिछली बार ली गई थी पर इसमें इस बार और बहुत कम ही रेट बढ़ाया गया है। पिछले बार इसका समर्थन मूल्य रेट था 5327 रुपये यानी 5327 रुपये और इसमें मात्र 114 रुपये ही बढ़ाए गए हैं और इस बार का जो भाव 114 रुपये बढ़ाकर हुआ है जो 5441 रुपये। इसके बाद जो छठे नंबर पर जो फसल आती है वो है जो की फसल भी एमपी में की जाती है पर कुछ क्षेत्र में ही की जाती है। पिछले साल जो समर्थन मूल्य रेट था वो था 1600 रुपये और इसमें सरकार के द्वारा इसमें बहुत कम रेट दिया गया है जो कि है मात्र 35 रुपये और 35 रुपये ही इस बार बढ़े हैं। तो इस बार ये हो गई है 1635 रुपये। तो ये थी कुछ 6 फसलें जो कि एमपी में इनकी खेती की जाती है और ये सरकार इसमें समर्थन मूल्य पर इसे खरीदती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। ऐसे के साथ मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय।